जोजी, तेरे गालों की तो मसल बन गई है। पूरी बॉडी पे काटा होता तो तेरी तो बॉडी बन जाती। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? आज तक हमने इन मधुमक्खियों को कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर वो बिना वजह हमारे बच्चों को काटेंगी तो उनके लिए इस कॉलोनी में अब कोई जगह नहीं। पर विलेन अंकल, मधुमक्खियां बिना बात नहीं काटती। खामोश, बिना बात बड़बड़ाओ मत। कल मैं वो पेड़ ही कटवा दूंगा जिन पे इन मधुमक्खियों का छत्ता है। लेकिन विलेन अंकल, जोजी की शरारत की पनिशमेंट मधुमक्खियों को देना गलत होगा। है? रोबिन तू कैसा दोस्त है, हम सेम कॉलोनी में रहते हैं, सेम स्कूल जाते हैं, तब भी तू उनकी साइड ले रहा है। अरे मैं किसी के साइड नहीं हूँ, मैं सही बात के साइड हूँ। सही गलत का फैसला ऐसे नहीं हो सकता, कल इसके लिए मीटिंग बुलानी होगी। कल पेड़ काटने के लिए विलेन अंकल ने मीटिंग बुलाई है, तुम्हें आना होगा ताकि तुम्हारा घर बच सके। पर हमारी बात तो मीटिंग में कोई समझेगा ही नहीं, क्योंकि हमारी भाषा तो किसी को आती ही नहीं। अरे तुम डरो मत, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। ऑर्डर दीजिए मैडम, उस पेड़ को काटने का जिसपे उन मधुमक्खियों का छत्ता है जिन्होंने हमारे बच्चों को काटा। चाची, इन्होंने तब काटा जब जोजी ने इनके छत्ते पर पत्थर मारा और इनके एक बच्चे को चोट भी लगी। बता दो इन्हें जोजी कि तुमने पत्थर क्यों मारा था। मैंने पत्थर खुद को बचाने के लिए मारा था, क्योंकि इस मधुमक्खी ने मुझे काटने की धमकी दी थी। अब बोलो मधुमक्खी, क्यों तुमने हमारे बच्चे को धमकी दी। पहले जोजी ने छत्ता तोड़ने के लिए पत्थर उठाया, मधुमक्खी ने इसको प्लीज प्लीज करके मना किया, और जब ये नहीं माना तब मधुमक्खी ने अपने बच्चों को बचाने के लिए इसको काटने की धमकी दी। क्या जोजी, तुम छत्ता क्यों तोड़ना चाहते थे? छत्ते में जो हमारे लिए शहद होता है उसे निकालने के लिए। ऑर्डर चाची, मधुमक्खी ने शहद विंटर्स के लिए जमा किया होता है, क्योंकि उस समय इतने फूल नहीं होते कि ये लोग अपना खाना बना सके। वो शहद जोजी या किसी और के लिए नहीं, इनके बच्चों के लिए होता है। ऑर्डर जोजी, चाहे तुम्हें ये बात पहले नहीं पता थी, पर जब उन्होंने तुम्हें प्लीज कहा तब नहीं तो कम से कम उनके गुस्सा करने पर रुक जाना चाहिए था। अब तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम्हें छत्ते के आसपास फूल लगाने होंगे। हाँ।
ताकि मधुमक्खियाँ थोड़ा जल्दी जल्दी हनी बना के अपने घायल बच्चे को जल्दी ठीक कर पाएं। सजा मुझे भी लगा था कि गार्डनिंग सजा है, पर इस सजा में तो मजा है।